आज लिखेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर मुद्रास्फीति के कारण। इसमें अपन ने दो तरह से बताया इन्फ्लेशन को, डिमांड साइड और कॉस्ट साइड। तो सबसे पहले लिखेंगे डिमांड साइड, केवल पॉइंट्स पॉइंट्स लिखेंगे। डिमांड साइड सबसे पहले है इंक्रीजिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यानी गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है तो डेफिनेट लोगों के पास इनकम आती है, और लोगों के पास इनकम आती है तो क्या बोलते हैं वो डिमांड कर्व को ऊपर की साइड अपवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। सेकंड लिखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है और रेवेन्यू कम जनरेट करती है तो डेफिनेट वहां पोजीशन क्या बनती है, डेफिसिट फाइनेंस बनती है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर गवर्नमेंट डेफिसिट को रिमूव करने के लिए वहां पर नए नोट, न्यू करेंसी पब्लिश करती है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं डिमांड जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है और इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। फिर लिखेंगे चीप मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा पॉइंट, सस्ती मौद्रिक नीति। चीप मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया, जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो कर दी, तो जैसे लो कर दी तो लोग बाग क्या करेंगे कि लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो डेफिनेट लोगों की क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ऐसी पोजीशन बन के आती है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इंक्रीजिंग इन डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीजिंग इन डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय में वृद्धि। यदि गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती है तो डेफिनेट है, हमने एक बताया हुआ है इसके अंदर नेशनल इनकम के अंदर कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो क्या होती है कि डिस्पोजेबल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस फीस पेनल्टी। तो जब डिस्पोजेबल इनकम जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगा वो कब होगा, जब क्या बोलते हैं टैक्सेस कम होंगे, पेनल्टीज कम होंगी, तो डेफिनेट वहां पर क्या होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट होगा और प्राइस इन्फ्लेशन होगा। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, ब्लैक मनी, काली मुद्रा। ब्लैक मनी के अंदर क्या कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो अपने भाई कैश करते हैं तो डेफिनेट है उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्लैक मनी से मेरे को सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से वो है, लेकिन जो मेरे पास ब्लैक मनी आ रही है उससे मेरे सारे खर्चे चल रहे हैं, तो ऐसी वजह से क्या होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट होता है। फिर आता है इंक्रीजिंग इन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में वृद्धि। इंक्रीजिंग इन इन्वेस्टमेंट में जब जो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेट वहां के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है और उसकी वजह से क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन डेवलप होता है। फिर लिखेंगे रिडक्शन इन टैक्सेशन, रिडक्शन इन टैक्सेशन, करों में कमी। गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट टैक्सेस को यदि कम करती है तो उसकी वजह से क्या होता है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है और इनकम इंक्रीज होती है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है और एग्रीगेट डिमांड कर अपवर्ड शिफ्ट होता है और इन्फ्लेशन बनता है। फिर आता है रिडक्शन इन पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण में कमी। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को जो पैसे की जरूरत होती है दो तरह से काम करती है, एक तो क्या है नई करेंसी पब्लिश कराती है, दूसरा क्या करती है वो पब्लिक से लोन लेती है जिसको अपन पब्लिक डेट बोलते हैं। अब मेरे पास या आपके पास तो नहीं आती है गवर्नमेंट कि भाई पैसा उधार दे दो, तो हम लोग जो FD कराते हैं, फिक्स डिपोजिट कराते हैं, या LIC वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह की चीजों को अपन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पैसे को, वो बैंकों में पड़ा रहता है, उस पैसे को क्या बोलते हैं रीयूज करती है, उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेती है और उससे क्या बोलते हैं मार्केट के अंदर वर्क करती है। तो उससे क्या होता है कि नई करेंसी छापनी नहीं पड़ती तो इन्फ्लेशन नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट क्या करते हैं पब्लिक लोन जो है वो ना लेकर के नहीं क्या करे नई करेंसी पब्लिश करे तो डेफिनेट है क्या होगा इन्फ्लेशन बन के आएगा। फिर आता है इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या बोलते हैं रैपिडली हो तो डेफिनेट क्या होगा, अभी भी जो गुड्स जो महंगी हैं और भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी क्योंकि मालूम है डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई जो है वो
कम है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट। यदि हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, सपोज हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है, तो डेफिनेट हमारे यहाँ पे क्या होगा, इनकम होगी, इनकम जनरेट होगी तो क्या बोलते हैं वो डिमांड को जनरेट होगी, नई न्यू डिमांड जनरेट होगी, न्यू डिमांड जनरेट होगी तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं, 10 पॉइंट्स हमने लिखवाए जो डिमांड साइड को क्या बोलते हैं इंक्रीज करने के लिए, डिमांड साइड को अपवर्ड शिफ्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, और जिससे क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन डेवलप होता है। सेकेंड लिखेंगे अब सप्लाई साइड, पूर्ति पक्ष। सप्लाई साइड पूर्ति पक्ष, इसमें सबसे पहले लिखेंगे लेस प्रोडक्शन, उत्पादन में कमी। लेस प्रोडक्शन, उत्पादन में कमी। यदि हमारे पास क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो डेफिनेट है क्या होगा, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है, कॉस्ट है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और यानी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्केरेसिटी। आर्टिफिशियल स्केरेसिटी, कृत्रिम अभाव, कृत्रिम अभाव। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी स्केरेसिटी के अंदर क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि जो परचूनी की दुकान है, परचूनी की दुकान अपन क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे से व्यापारी होते हैं, जो आटा दाल चावल और ये छोटी छोटी दुकानें अपने कॉलोनियों में आसपास के एरिया के अंदर होती है, आजकल क्या है, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। जैसे आपने सुना होगा बिग बाजार, या अपने बोलता है रिलायंस फ्रेश, या इस तरह की जो जो चीजें चाहिए, तो बड़े बड़े इनके पास क्या होता है, करोड़ों अरबों रुपए होता है, ये क्या करते हैं मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल स्केरिसिटी डेवलप करते हैं, माल को क्या बोलते हैं गोडाउन के उसके अंदर क्या बोलते हैं ब्लॉक करके रखते हैं, और इस सप्लाई को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियली वो सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से भी प्राइस लेवल क्या होता है इंक्रीज होता है। फिर आता है क्या, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की कर नीति। अब एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट क्या करे, सपोज करिए कि क्या बोलते हैं जो कच रॉ मटेरियल्स है, इम्पोर्ट ड्यूटीज है, उनको यदि एक्सटेंड कर देती है, बढ़ा देती है, तो डेफिनेट उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो महंगा होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी, महंगा होगा, तो डेफिनेट प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है क्या, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान्नों की कमी। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, अब जैसे सपोज कीजिए सबसे बेसिक पार्ट क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्री इकोनॉमी के अंदर पब्लिक है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं फूड ग्रेन तो होने चाहिए। अगर अपने पास शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन है, तो डेफिनेट तो अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और जब इम्पोर्ट करेंगे तो डेफिनेट हमारे पास क्या होगा, वो महंगा मिलेगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या बोलते हैं चीजें बन के आती है। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक झगड़े। अगर ऑनर में या वर्कर्स के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, या इंटरमीडिएट जो इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो क्या बोलते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस वर्क करती हैं, उनमें आपस में कोई डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, तो डेफिनेट क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और टाइम पर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सप्लाई नहीं होगी, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। फिर आता है टेक्निकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन। अब एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जब चेंज होता है, तो क्या बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी से एडजस्ट होने में, कंफर्ट होने में क्या बोलते हैं टाइम लग जाता है, और उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पहले टेलीफोन दूसरे थे, बाद में टेलीफोन आए, वो बहुत भारी भारी टेलीफोन थे, उसके अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की कॉस्ट आती थी। आज ऐसी पोजीशन है कि हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री हुई है, तो वही चीज़ है कि जब टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती है और उसको चेंज करते हैं, तो डेफिनेट कॉस्टिंग इंक्रीज होती है। फिर आते हैं लैक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कमी। अब जैसे अब इसके अंदर इंडिया के अंदर देखें, तो सबसे बड़ा जो अपने पास लैक ऑफ रॉ मटेरियल है वो क्या है, ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स है, तो ऑयल हमारे पास यहाँ नहीं है, तो डेफिनेट हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, और हमारे यहाँ पर है भी, तो जैसे अभी आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर बाड़मेर और बीकानेर साइड के अंदर हमारे यहाँ पर है, लेकिन उस रिफाइनरीज के अंदर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्या बोलते हैं कॉस्ट जो है इंक्रीज हुई है। आज ही आपके पेज फ्रंट पेज पे देखेंगे तो ऑयल रिफाइनरीज की जो कॉस्ट थी वो जस्ट एकदम डबल इंक्रीज हो गई इस कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर। पहले उसका जो प्रोजेक्ट का जो प्रो था वो सिर्फ 43 करोड़ के 43,000 करोड़ के आसपास था, जस्ट वो 73 या 76 करोड़ के आसपास वो हो गया, तो इतना कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या बोलते हैं चीजें बन के आती है। फिर आते हैं क्या, नेचुरल क्लैमिटीज, प्राकृतिक विपत्तियां।
प्राकृतिक विपत्तियां जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केन्स वाली प्रॉब्लम्स हो गई, तो इस तरह की यदि कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो डेफिनेटली हमारी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई जो है शॉर्ट हो जाती है और उससे प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है प्रोडक्टिव सेटअप, उत्पादन का ढांचा, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, प्रोडक्टिव सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, उत्पादन का ढांचा। अब जैसे अपने कहा कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया तो डेवलप कर दिया, लेकिन वहां पर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेट है आपको क्या होगा कि आपको सप्लाई कम होगी। अभी जैसे एक जस्ट अभी लेटेस्ट एग्जांपल चल रहा है, आपने देख सुना होगा कि क्या बोलते हैं मॉरिशस का और क्या बोलते हैं लक्षद्वीप का, तो मॉरिशस का नहीं, मालदीप का, शायद मालदीप का और उस चीज का देखा होगा, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज से 4 साल पहले मोदी ने इस चीज को पहले से एज्यूम किया था कि लक्षद्वीप एरिया के अंदर जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी और इस तरह की चीजें कम है। तो 4 साल पहले जो क्या बोलते हैं उन्होंने लाल किले से जो भाषण दिया था उस टाइम उन्होंने कहा था कि लक्षद्वीप के अंदर, इनके अंदर हम कनेक्टिविटी को करेंगे और ऑप्टिकल, समुद्र के अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो कनेक्टिविटी और सब चीजें पूरा होने के बाद मोदी ने क्या किया कि जो टूरिस्ट जो है मॉरिशस जाया करते थे उन टूरिस्ट को रोकने के लिए एक खुद ने एक स्टंट किया। तो कुछ लोगों को तो समझ में ना नहीं आया एक दो दिन के अंदर, कि उनको लगा कि साहब क्या बोलते हैं मोदी जी ने जीवन में पहली बार छुट्टी ली है और उसने काम किया, और 7 साल में जाने 9 साल में कुछ ऐसा चला था। तो उसके बाद उन्होंने जब वो चीजें की तो मालूम चला कि साहब क्या बोलते हैं उन्होंने मॉरिशस की इकोनॉमी को रिमूव करने के लिए, या अपने अपना यहाँ का जो फंड है वो क्या बोलते हैं फॉरेन कंट्री में ना जाए और अपने पास क्या बोलते हैं वो सेव रहे, उस चीज को करने के लिए क्या बोलते हैं उन्होंने चीजें की, और फाइबर ऑप्टिकल्स वगैरह इस चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्होंने चीजें करी, और आज क्या बोलते हैं वहां पर टूरिस्ट का जो प्रॉपर है या जो चैनलाइजेशन है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहली चीज आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है प्रॉपर वे में होगा तो डेफिनेटिव कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक होगा तो वहां पर क्या बोलते हैं प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता वॉर, जैसे अभी चाहे वर्ल्ड के अंदर कोई सी भी कंट्री किसी भी कंट्री से वॉर कर रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली इफेक्ट करता है, तो कई कंट्री का जो पड़ेगा तो डेफिनेटली वहां पर जो रॉ मटेरियल है, फूड ग्रेन्स है और सारी चीजें हैं उनकी क्या होगा शॉर्टेज हो जाएगी और प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरनेशनल कॉजेज, अंतर्राष्ट्रीय कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण। जैसे आपने देखा ऑयल कंट्रीज ने क्या बना लिया, एक कार्टेल बना लिया, गठबंधन बना लिया, कि ऑयल कंट्रीज जो कंट्री है उन्होंने ओपेक करके नहीं, सारी कंट्रियों का आपस में बना करके उन्होंने जो प्राइस हाइक करी, तो उससे जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी या अंडर डेवलप कंट्रीज थी उनके वहां पर जो क्या बोलते हैं जो ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह जाते थे वो हाई हो जाने की वजह से वो आती है। इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं क्या, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति। फिर आता है क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की औद्योगिक नीति, सरकार की औद्योगिक नीति। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अगर वो डेफिनेट है क्या बोलते हैं बड़ी रिज्ड है या पर क्या रिजिडिटी वाली पोजीशन है तो वहां पर क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप नहीं होगा। अगर आपकी जो पॉलिसी है वो लिबरलाइज है या फ्लेक्सिबल है, एरिया टू एरिया या रीजन बाय रीजन क्या बोलते हैं उसकी पॉलिसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो डेफिनेट है क्या बोलते हैं सप्लाई जो है कम नहीं होगी, तो एज सप्लाई नहीं होगी तो क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन नहीं होगा, लेकिन क्या बोलते हैं रिजिडिटी होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लास्ट लिखेंगे बोटलनेक इन प्रोडक्शन, उत्पादन में गतिरोध, बोटलनेक इन प्रोडक्शन, उत्पादन में गतिरोध। अब जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, और यदि मान लीजिए गवर्नमेंट ने मिनरल्स यानी जो माइंस है उनका जो लाइसेंस की जो जो पॉलिसी है वो अगर उनकी ढंग की नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा और उससे की वजह से क्या हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगी और प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कहलाता है बोटलनेक प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैंने कॉजेज इसलिए लिखवा दिए थे कि 2 मार्क्स के अंदर इनके अंदर ये पूछ लेते हैं कि जो कॉजेज हैं वो क्या है। इन वैसे सिलेबस के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मीनिंग और इम्पैक्ट लिखा हुआ है, तो अब हेडिंग डालेंगे क्या, इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव।
अब इसके अंदर क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर क्या इफेक्ट ऑन डेबिटर एंड क्रेडिटर, इफेक्ट ऑन डेबिटर एंड क्रेडिटर, ऋणी और ऋणदाताओं पर प्रभाव। लिखेंगे अंडर इन्फ्लेशन, इसके अंदर लिखेंगे अंडर इन्फ्लेशन डेबिटर्स आर गेनर, डेबिटर्स आर गेनर वाइल क्रेडिटर्स आर लूजर, क्रेडिटर्स आर लूजर। लिखेंगे मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, तो 100 रुपये के अंदर आज जो उसकी वैल्यू है, एक साल बाद 100 रुपये की वो वैल्यू नहीं रहेगी। इट मीन्स एक साल बाद उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब आप कहोगे साहब हमको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज की दर मिलेगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है उससे हायर है, तो फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए जो हम ये बात करते हैं क्या डेबिटर जो है, डेबिटर जो है वो क्या बोलते हैं गेनर होता है, और क्रेडिटर जो होता है वो क्या होता है लूजर होता है। सेकंड लिखेंगे इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर, निवेशकर्ता पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर, निवेशकर्ता पर प्रभाव। इसमें लिखेंगे इन्वेस्टर्स आर टू टाइप्स, निवेशक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दोज, फर्स्ट लिखेंगे दोज हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल, दोज हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉमा डिबेंचर्स कॉमा बॉन्ड्स एटसेट्रा, बॉन्ड्स एटसेट्रा यील्डिंग ए फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, यील्डिंग ए फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। एंड सेकेंड लिखेंगे दोज हु होल्ड्स शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हुज प्रॉफिट फ्लक्चुएट, हुज प्रॉफिट फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट ऑफ दीज टू क्लासेज ऑफ इन्वेस्टर, ऑफ दीज टू क्लासेज ऑफ इन्वेस्टर्स कॉमा द फॉर्मर आर लूजर, द फॉर्मर आर लूजर एंड लेटर लेटर गेनर ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। लिखेंगे निवेश का प्रकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियां डिबेंचर्स बॉन्ड्स आदि में, डिबेंचर्स बॉन्ड्स आदि में जिससे कि एक निश्चित आय होती है, जिससे कि एक निश्चित आय होती है, पूंजी लगा रखी होती है, पूंजी लगा रखी होती है। सेकंड दूसरे, सेकंड दूसरे वे जिन्होंने संयुक्त पूंजी कंपनियों में, संयुक्त पूंजी कंपनियों में अपने शेयर खरीदे होते हैं, इनकी आय मुद्रा स्फीति के दौरान बढ़ती है,
अर्थात पहले वाले वर्ग को, अर्थात पहले वाले वर्ग को मुद्रा स्फीति में हानि होती है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, इफेक्ट ऑन फिक्स सैलरी क्लास, इफेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरीड क्लास लिखेंगे, निश्चित आय के वर्ग पर प्रभाव लिखेंगे इसके अंदर, दे आर द बिगेस्ट लूजर, दे आर द बिगेस्ट लूजर बिकॉज, दे आर द बिगेस्ट लूजर बिकॉज प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गो ऑन राइजिंग, गो ऑन राइजिंग बट देर इज वेरी लिटिल कोरोस्पॉन्डिंग, बट देर इज वेरी लिटिल कोरोस्पॉन्डिंग राइज इन देयर मनी इनकम, राइज इन देयर मनी इनकम। लिखेंगे मुद्रा स्फीति के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है, मुद्रा स्फीति के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है क्योंकि वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि बढ़ जाती हैं, परंतु उनकी मौद्रिक आय में, परंतु उनकी मौद्रिक आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। एक्चुअल में क्या होता है, फिक्स सैलरी जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो सैलरी है उसके अंदर गवर्नमेंट, पहले इन्फ्लेशन हो रही है तो डेफिनेट है प्राइस प्राइस लेवल बढ़ जाता है, तो उनकी जो सैलरी फिक्स है तो डेफिनेट उनको क्या बोलते हैं, उनको हानि होती है। लेकिन इस पूरी पोजीशन के अंदर उनकी सैलरी इंक्रीज होती है क्या, होगा 6 महीने या साल भर बाद उसको इंक्रीजमेंट देते हैं, या डीए बढ़ाते हैं तो वो क्या बोलते हैं साल भर बाद या 6 महीने बाद बढ़ाते हैं, फिर पुरानी डेट से देते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं नुकसान होता है। लेकिन जो डेली वेजेस वाले जो पर्सन होते हैं उनको क्या होता है, ये प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि डेली वेजेस वाले तो कहने लग जाते हैं शुरू से ही कि साहब क्या बोलते हैं किराया बढ़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए तो हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो वो तो डेली वेजेस वाले इसके अंदर फायदेमंद रहते हैं और जो वो होते हैं वो नुकसान में रहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑन, चौथा पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स, इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर लिखेंगे, उत्पादकों या उद्यमियों पर प्रभाव लिखेंगे, दिस क्लास गेन बाय इन्फ्लेशन, दिस क्लास गेन बाय इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बिकॉज दे प्रोड्यूस मोर टू मीट राइजिंग डिमांड, बिकॉज दे प्रोड्यूस मोर टू मीट राइजिंग डिमांड लिखेंगे, ऐसा वर्ग मुद्रा स्फीति में लाभकारी होता है, ऐसा वर्ग मुद्रा स्फीति में लाभकारी होता है क्योंकि क्योंकि वस्तुओं की मांग, क्योंकि वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि लोगों की आय बढ़ जाती है, लोगों की आय बढ़ती है तो डेफिनेट है क्या बोलते हैं आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिफ्थ पार्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट कृषकों पर प्रभाव लिखेंगे,
इन्फ्लेशन हैज फेवरेबल इफेक्ट, इन्फ्लेशन हैज फेवरेबल इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट एज दे बिलोंग टू, एज दे बिलोंग टू प्रोड्यूसर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज मोर देन देयर कॉस्ट, मोर देन देयर कॉस्ट। लिखेंगे कृषक वर्ग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव, कृषक वर्ग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अनुकूल होता है क्योंकि वे उत्पादक वर्ग से आते हैं, क्योंकि वे उत्पादक वर्ग से आते हैं। इस अवधि के दौरान कृषि वस्तुओं के मूल्य, कृषि वस्तुओं के मूल्य उनकी लागत से अधिक होते हैं। फिर लिखेंगे इफेक्ट ऑन मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग पर प्रभाव, लिखेंगे दिस क्लास इज आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, दिस क्लास इज आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। बिकॉज दे डू नॉट मेंटेन, बिकॉज दे डू नॉट मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ, सॉरी पर्टिकुलर लेवल, बट इट्स सोर्स ऑफ इनकम आर फिक्स्ड, बट इट्स सोर्स ऑफ इनकम आर फिक्स्ड। लिखेंगे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक हानि, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक हानि मध्यम वर्ग को होती है क्योंकि, क्योंकि आय के निश्चित साधनों के अंतर्गत, आय के निश्चित साधनों के अंतर्गत अपने जीवन स्तर को, अपने जीवन स्तर को बनाए रखना कठिन कार्य है। फिर लिखेंगे इफेक्ट्स ऑन सेविंग्स, इफेक्ट्स ऑन सेविंग बचतों पर प्रभाव। इन्फ्लेशन हिट्स सेविंग्स बैडली, इन्फ्लेशन हिट्स सेविंग्स बैडली बिकॉज हाई प्राइस ऑफ गुड्स, बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स कॉमा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर of the people goes up, of the people goes up and their power to save his, and their power to save is drastically, drastically curtailed, curtailed, drastically curtailed।
लिखेंगे मुद्रा स्फीति का बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा स्फीति का बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ जाने के कारण, वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ जाने के कारण लोगों को व्यय अधिक करना पड़ता है। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट्स ऑन इफेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर प्रभाव। लिखेंगे रोजगार पर प्रभाव। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन इट हैज गुड इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट हैज गुड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बिकॉज सेवरल न्यू इंडस्ट्रीज यूनिट्स, बिकॉज सेवरल न्यू इंडस्ट्रीज यूनिट्स स्प्रिंग अप। स्प्रिंग अप वंस फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज रीच्ड, वंस फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज रीच्ड प्राइसेस बिगन टू राइज रैपिडली, प्राइसेस बिगन टू राइज रैपिडली एंड सून ग्लैम्पिंग इन्फ्लेशन, एंड सून ग्लैम्पिंग इन्फ्लेशन इज इन एविडेंस। एज ए रिजल्ट पीपल विद लो इनकम सफर्स ए लॉट। एज ए रिजल्ट पीपल विद लो इनकम सफर्स ए लॉट। लिखेंगे मुद्रा स्फीति की प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत, प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि नए नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, नए नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं। परंतु पूर्ण रोजगार की अवस्था के पश्चात, परंतु पूर्ण रोजगार की अवस्था के पश्चात कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं और सरपट दौड़ने वाली मुद्रा स्फीति की अवस्था आ जाती है। सरपट दौड़ने वाली मुद्रा स्फीति की अवस्था आ जाती है जिससे कम आय वाले, जिससे कम आय वाले लोगों के लिए वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है, वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन पर प्रभाव। लिखेंगे इफेक्ट्स ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस अंडर द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अंडर द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट फॉल्स एंड इंपोर्ट राइजेज।
इम्पोर्ट्स राइजेज, सून द कंट्री इज, सून द कंट्री इज अनफेवरेबल बीओपी, बी बड़ा ओ छोटा पी, बीओपी लिखेंगे। मुद्रास्फीति के समय में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रास्फीति की अवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं जिससे आयात में वृद्धि एवं निर्यातों में कमी होती है, आयात में वृद्धि तथा निर्यातों में कमी होती है, परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑन पब्लिक डेट, इफेक्ट ऑन पब्लिक डेट लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अंडर कंप्लेंशन राइज अनएक्सपेक्टेडली, COMPLETION, कंप्लेंशन राइज अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेज, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेज राइजिंग प्राइसेज सो अपसेट द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अपसेट द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रिजल्टेंट गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड, रिजल्टेंट गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम पब्लिक दस पब्लिक डेट माउंट, दस पब्लिक डेट माउंट लिखेंगे। कीमतों में वृद्धि होने के कारण, कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं पर व्यय बढ़ जाता है, प्रारंभ की गई योजनाओं पर व्यय बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जिससे सरकार को जनता से ऋण लेना पड़ता है और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है। फिर लिखेंगे इफेक्ट्स ऑन टैक्सेस, इफेक्ट्स ऑन टैक्सेस करों पर प्रभाव, लिखेंगे राइजिंग प्राइसेस इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, राइजिंग प्राइसेस इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉमा टू मीट विच इट हैज, टू मीट विच इट हैज टू इम्पोज न्यू टैक्सेस, टू इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड इन्हांस द रेट ऑफ एक्साइटिंग, सॉरी द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस
मैंने लिखा है टू मीट विच इट हैज टू इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड एनहांस द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस। लिखेंगे कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार का व्यय काफी बढ़ जाता है, कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार का व्यय काफी बढ़ जाता है। और सरकार उस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए और सरकार उस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए नए नए टैक्स, नए नए कर लगाती है। फिर लिखेंगे कंट्रोल्स एंड राशनिंग। कंट्रोल एंड राशनिंग, नियंत्रण तथा राशनिंग। लिखेंगे इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू बाई ऑर्डनरी कंज्यूमर गुड्स, टू बाई ऑर्डनरी कंज्यूमर गुड्स। गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस कंट्रोल कॉमा इंट्रोड्यूस, कॉमा इंट्रोड्यूस राशनिंग सिस्टम एंड ओपन फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स टू इनेबल द पुअर पीपल, टू इनेबल द पुअर पीपल टू गेट एसेंशियल कमोडिटीज, टू गेट एसेंशियल कमोडिटीज एट रीजनेबल प्राइसेस, एट रीजनेबल प्राइसेस। लिखेंगे साधारण उपभोग की वस्तुएं महंगी होने के कारण, साधारण उपभोग की वस्तुएं महंगी होने के कारण गरीब लोगों के लिए वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है, गरीब व्यक्तियों के लिए वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है। जिससे सरकार कीमत नियंत्रण कौमा उचित मूल्य की दुकानें, कौमा उचित मूल्य की दुकानें एवं राशनिंग पद्धति अपनाकर, राशनिंग पद्धति अपनाकर साधारण उपभोग की वस्तुएं गरीबों को उपलब्ध कराती हैं, साधारण उपभोग की वस्तुएं गरीबों को उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मोरल इफेक्ट, मोरल इफेक्ट। लिखेंगे नैतिक प्रभाव, लिखेंगे इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इनटू मोरल डिग्रेडेशन, इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इनटू मोरल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इन ऑर्डर टू ए मास मोर, इन ऑर्डर टू ए मास मोर एंड मोर वेल्थ,
ए मास मोर एंड मोर वेल्थ कॉमा ट्रेडिंग कम्युनिटी कॉमा ट्रेडिंग कम्युनिटी रिसोर्ट्स टू एंटी सोशल एक्टिविटीज रिसोर्ट्स टू एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक प्रॉफिटियरिंग प्रॉफिटियरिंग PROFITERING प्रॉफिटियरिंग कॉमा होर्डिंग कॉमा होर्डिंग कॉमा एडल्ट्रेशन एटसेट्रा एडल्ट्रेशन ADULTERATION एडल्ट्रेशन एटसेट्रा लिखेंगे। मुद्रा स्फीति के कारण नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, व्यापारिक वर्ग अधिक धन संचय के लालच में व्यापारिक वर्ग अधिक धन संचय के लालच में अंधे होकर मुनाफाखोरी कौमा जमाखोरी तथा मिलावटी इत्यादि बुराइयों का सहारा लेते हैं तथा मिलावटी इत्यादि बुराइयों का सहारा लेते हैं। और लास्ट लिखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव लिखें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर DB Turoni TURONI अकॉर्डिंग टू डॉक्टर DB Turoni हिटलर वाज द फोस्टर चाइल्ड ऑफ इन्फ्लेशन हिटलर वाज द फोस्टर चाइल्ड ऑफ इन्फ्लेशन लिखेंगे। डॉक्टर DB Turoni के अनुसार DB Turoni के अनुसार हिटलर मुद्रा स्फीति का दत्तक संतान था। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है इन्फ्लेशन वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अंदर एक मिनट ऑफ माइंड इन्फ्लेशन मीनिंग्स एंड इम्पैक्ट। हाँ दोबारा हैंड रेज करिएगा। हाँ जी अरे इससे अभी आपको इतने सारे तो इफेक्ट लिखा दिए ना, गरीब व्यक्ति हो गया, जो जो रिच पर्सन हैं वो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं जुल्म ढालने वाली बातें चीज़ें करने लग गई, एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो हिटलर की तरह काम करने। अभी सारे जो इतने भी अभी मैंने पॉइंट्स लिखे ना उन सबका पार्ट हो गया भाई। और अब आपने दो टॉपिक कुछ पीछे बोले थे जो आपके एग्जाम में आए बताए, वो बताइएगा। फंक्शन ऑफ मनी के बारे में बात किया था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, एक तो ये ध्यान है मेरे को, और एक वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करी थी, यही था ना। आवाज आ पा रही मेरी?
हाँ जी ये है, मेरे को याद है ना, मैंने यही बोला मैंने कि ये दो फंक्शन हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ मनी, लिखेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? आया हुआ है, अरे आया हुआ है, आया हुआ, मैं बोला आया हुआ है, लेकिन इस यहाँ पर नहीं है वो। एक्चुअल में क्या है कि हाँ, यहाँ का मतलब कि ये जो है ना मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये चार जगह कोट होता है आपके सिलेबस में। एक तो ये हो गया इन्फ्लेशन को रोकने के जितने भी जो कंट्रोलिंग के जो पार्ट है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और अदर मेजर्स, ठीक है। सेकेंड आएगा ये क्या, ट्रेड साइकिल आएगा अपना, व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल्स। तो बिजनेस साइकिल्स में क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यानी प्राइस लेवल कभी बहुत ज़्यादा हाई, कभी बीच बिल्कुल डाउन, मंदी आ गई, इस तरह की चीज़, तो वो भी वहाँ पे भी ये चीज़ कोट होती है, ठीक है। तीसरा आता है इसके अंदर, तीसरा आता है यही सारे जो रीजन्स होंगे, तीसरा जो पार्ट आता है, ये सारे रीजन्स कहाँ पे काम आएंगे, मॉनेटरी सॉरी क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक, यानी क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, साख नियंत्रण की नीतियां किसकी, सेंट्रल बैंक की, यानी आरबीआई की। तो उसके अंदर भी यही आता है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ये सब चीजें आती है। तीन जगह आ गया। चौथी जगह आपके पास आता है क्या, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, चार जगह पे ये काम आता है। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है भी, वो भी यही काम करती है। तो यहाँ पर जो अभी जो सिलेबस आपने मेरे को भेजा है एक पेज वाला, उसमें नहीं है, है ना, उसमें एक पेज वाले सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, ये चार जगह आएगा तो मैं कराऊंगा, इसको यहाँ पे नहीं करा रहा, तो मैं उसको एक मिनट कहाँ कराऊंगा ये भी बता देता। अरे नहीं, इश्यू है भाई, इश्यू है तभी तो उठा है। अरे ऐसे कैसे, इश्यू है तभी तो आया है। अब इसमें ये तो इंप्रिंट कैपिटल मार्जिन, बी सेक्शन में नहीं आएगा, सी सेक्शन में आएगा। सी सेक्शन के अंदर है सेंट्रल बैंक, है ना, तो सेंट्रल बैंक में फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक विद स्पेशल रेफरेंस टू आरबीआई, ठीक है। कमर्शियल बैंक फंक्शन ऑफ मॉडर्न, ये चीज हो गई। फिर आता है क्या, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, तो यहां पर ये वो पॉइंट्स आ जाते हैं, है ना। तो इसको दोनों तीनों जगह से ले लेते हैं। और इसके अंदर मनी सप्लाई का आ गया, ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अधूरा है सिलेबस, थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है। हाँ, तो एक पहले वाला भी तो भेजा हुआ है ना। हाँ बस इसमें फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी तो है ही नहीं इसमें, तो बच गया मेरा तो, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना, एक बार कराओ चाहे। इसमें ट्रेड साइकिल भी नहीं है, वेरी गुड, बढ़िया, लेकिन एक बार तो कराना ही पड़ेगा। आरबीआई में दे रखा है बस, और कुछ नहीं है, फिस्कल पॉलिसी भी नहीं है, ट्रेड साइकिल भी नहीं, बढ़िया। इसके अंदर जो सिलेबस, जो अभी जो सिलेबस है, उसमें ये दिया था आपने, इन्फ्लेशन मीनिंग एंड इम्पैक्ट, ठीक है, ये अपन ने कर लिया। थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, केन्शियन एंड मॉडर्न, डिमांड पुश और स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल भी नहीं दे रखा इसमें। अब एक्चुअल में क्या है कि सिलेबस पहले था, पहले था, लेकिन अभी जो आपने भेजा उसमें नहीं है। कोई नहीं, वो तो अपन ने कॉस्ट पुश भी कर लिया है, वो भी कर लिया है, और इसके अंदर होगा तो मैं अभी पॉइंट्स मेरे को लिखाने, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ ये पॉइंट्स को, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, वहां तो अपन को लिखना है, लेकिन 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना ये वाला। चलिए लिखेंगे अपने पास, इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं, तो ये सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, अपन कल से नया सेक्शन चालू करेंगे। लिखेंगे
प्राइमरी और मेन फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी और मेन फंक्शन ऑफ मनी इज फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के प्राथमिक और मुख्य कार्यों के अंतर्गत पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी मनी बिकॉज इट एक्ट्स, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इज एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इज एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव्ड, हैज रिमूव्ड रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ, द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल को इंसिडेंस, डबल को इंसिडेंस ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स इन द बार्टर सिस्टम, इन द बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट एक्सचेंज हैज बीन कन्वीनियंट एज वेल एज सिंपल, एक्सचेंज हैज बिकम कन्वीनियंट एज वेल एज सिंपल। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज लेबर। फिर लिखेंगे सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू लिखेंगे। मनी सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड इन द मनी यूनिट, इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट।
इट वॉज द मेन डिफिकल्टी, इट वॉज द मेन डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। फिर नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, बिकॉज मनी सर्व्स एज ए रिजल्ट, बिकॉज मनी सर्व्स एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, प्राइस रिलेटिव्स फॉर ए कम्युनिटी आर, प्राइस रिलेटिव फॉर ए कम्युनिटी आर नो लॉन्गर वर्कड आउट, नो लॉन्गर वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एज इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एज इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कॉमा, रादर दीज आर नाउ वर्कड आउट, रादर दीज आर नाउ वर्कड आउट एज एन माइनस वन, एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ एन इज इक्वल टू टेन कमोडिटीज, एन इज इक्वल टू टेन कमोडिटीज, सो इन बार्टर सिस्टम, सो इन बार्टर सिस्टम मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू टेन, टेन माइनस वन बाई टू एन 45, बट इन मॉनेटरी सिस्टम एन माइनस वन, टेन माइनस वन इज इक्वल टू 9। यदि हमारे पास 10 वस्तुएं हैं तो बार्टर सिस्टम के अंदर हमारे को 45 मेजर ऑफ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती थी, लेकिन मनी के अंदर हम इस तरह से करते। अब लिखेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा का वेग लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी इज अ नंबर ऑफ टाइम्स, वेलोसिटी ऑफ मनी इज नंबर ऑफ टाइम्स a unit of money changes, a unit of money changes, money changes hands in the course of a year, hands in the course of a year। it means the number of, it means the number of times a unit of money, a number of times a unit of money buy goods and services in a given time,
इन ए गिवन टाइम। नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मनी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मनी इन ए कंट्री कॉमा द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन ईयर, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन ईयर डिवाइडेड बाई द मनी इन सर्कुलेशन, डिवाइडेड बाई द मनी इन सर्कुलेशन। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू जीएनपी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। According to Fisher, MV is equal to PT, MV is equal to PT and V is equal to PT upon M, where P is equal to price, T is equal to total transaction in a year, M is equal to quantity of money, V velocity of money and PT is equal to money demand, PT is equal to money demand। लास्ट में लिखेंगे, so money demand divided by क्वांटिटी ऑफ मनी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी।